हेलो एंड पखर रागले टू ऑल ऑफ़ यू मैं हूं फ़खर यूसफ जई और आप देख रहे हैं इस वक्त आ, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर आज बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है एक तो ये है कि इंडिया फ्रांस यूएई का जो कॉपरेशन प्लान है उसको अनवील किया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें सवाल से बात करेंगे इसके साथ साथ एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान अपनी फोर्सेस को यानी अपनी तीनों फोर्सेस को नए लेवल पे यानी मॉडर्नाइज़ तरीके से उनको एक कर रहा है उसकी वजूहत क्या है चाइना का नाम लिया जाता है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में की और दुनिया की कौन सी ऐसी ऐसे एस इदारे हैं जिन्होंने इसको एक्नोलेज किया और कहा कि हाँ यार ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ लाई गई हैं खैर जयशंकर साहब एज़ यूजल मतलब सही बिजी रहते हैं और आ, कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे लाजमी बात है उनकी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है खैर इन दोनों खबरों की डिटेल में जाएंगे कि यह है क्या आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बेल और लाइक का बटन दबाना ना बोले बात इस वक्त हो रही है जी एक तो ये है इंडिया फ्रांस यू इसको आ, कुछ लोग एक नए क्वाड का नाम भी दे रहे हैं क्वाड आपको पता है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया है जापान है अमेरिका है और इंडिया है लेकिन यहाँ पे हमने आई टू यू टू यू टू को भी देखा और अब यहाँ पर हम एक नई डेवलपमेंट देख रहे हैं यानी गल्फ में फ्रांस यूरोप का एक बड़ा मजबूत कंट्री है यूएई अरब दुनिया का एक माना हुआ मानी हुई इकोनॉमी है और इसके साथ साथ यकीनन इंडिया नंबर फोर या नंबर फिफ्थ पोजीशन पर वर्ल्ड इकोनॉमीज में इस वक्त मौजूद है और एक इमरजिंग uh, पावर के तौर पे उनको पूरा पूरी दुनिया देख रही है ये डेवलपमेंट कैसी uh, है और वाकई ये क्वार्ट की तरह की है इसमें uh, बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे uh, आज इस तरह की चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते कि शायद सिर्फ डिफेंस के हवाले से इसमें चीजें होंगी लेकिन ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है कि वो आपस में तीनों कंट्रीज इंडिया के पास जो है यूएई और फ्रांस उससे फायदा उठाएंगे फ्रांस के पास जो है यूएई और इंडिया फायदा उठाएंगे हां यूएई तो खुद शायद इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं बनाता लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है और बहुत अच्छे से करता है तो गालिबन एक ब्रिज के तौर पे आप उसको ले सकते हैं एक मार्केट के तौर पे आप उसको ले सकते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ले सकते हैं तो ये है कि यूएई वैसे तो देखने में एक छोटा सा मुल्क लगता है लेकिन फ्रांस और इंडिया के साथ कड़ा है और किस चीज में कड़ा है वो कहते हैं जी हमने एक नई अः कॉपरेशन प्लान हमने बनाया है और उसके ऊपर हमने आगे जाके अमल दरामद करना है यानी ये पिछले दो तीन सालों में शायद बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट में से एक है मुख्तलिफ किस्म की चीजें थ्रू आउट ईयर हम देखते रहते हैं लेकिन आ, ये ऐसी चीज है कि ये एक बड़े स्केल की बातें हैं कि तीन मुख्तलिफ कंट्रीज एक अरब दुनिया का बड़ी इकोनॉमी है दूसरा जो मुल्क है वो एशिया का वैसे तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में नाम है हिंदुस्तान का भी और फ्रांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिफेंस के हवाले से या बाकी टेक्नोलॉजीज़ हो उसमें जाना और माना जाता है तो इन तीनों का मिलना मेरे ख्याल में तीनों कंट्रीज के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर देखा जाए तो फ्रांस और इंडिया के बीच में तो पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही है राफेल की डील हो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान फ्रांस से लेता है और उसकी टेक्नोलॉजीज को बाकायदा अपने कंट्री में लेके आता है लेकिन अब यू के आने के बाद ये चीज़ ऐसी होगी कि यू एक बड़ी स्मार्ट किस्म की मार्केट आप उसको कह सकते हैं अगर आ, कोई चीज आपको कहीं और नहीं मिलती तो कहते हैं कि दुबई में चेक कर लें। क्यों दुबई में चेक कर लें? हालांकि दुबई खुद शायद इतनी चीजें प्रोड्यूस नहीं करता ज्यादातर बाकी दुनिया की चीजें आके वहां पे मार्केट होती है लेकिन वो एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाई गई दुनिया आ, के ऊपर के दुनिया के अंदर कि उसकी वजह से फिर आपका काम आसान हो जाता है वैसे भी आ, अगर हम देख लें तो यूएई और इंडिया के बीच में भी बड़े क्लोज टाइज हैं और लास्ट अगर फाइव सेवन इयर्स की बात की जाए तो ये मज़ीद ऊपर गए हैं इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात बहुत हुए हैं और उसमें ये कहा जाता है कि शायद उसमें भी आ, इंडिया और अमेरिका का बहुत बड़ा एक रोल है आ, इन टाइज के अंदर और इन ताल्लुकात को बेहतर करने के अंदर खैर कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और शेखजैद अनियन साहब जो उनके बीच में हेड ऑफ द स्टेट दोनों हैं उसके अलावा भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं बहुत अच्छी दोस्ती है बहुत अच्छा आना जाना है एक दूसरे की बड़ी बात सुनते हैं बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं एक दूसरे की बात पे अमल करते हैं काफ़ी हद तक लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें तो द मैन इन देंटर यानी डॉक्टर जयशंकर शंकर साहब वो एक ऐसे एक्टिव आदमी हैं कि वो कहीं पे भी जाते हैं दुनिया के किसी आ, कंट्री में भी वो जाते हैं तो वहाँ पे वो मैं ये कहूँगा कि वो जेर करके यानी जो अपोनेंट्स होते हैं उनके या फिर फ्रेंड कं, फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं कुछ खैर बातें बातें बाते उनसे पूछी जाती हैं तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन चीज़ों को उसके ऊपर बात करते हैं और अपने कंट्री को डिफेंड करते हैं और बड़ा ज़ालिम किस्म का मैं कहता हूँ बड़ा यानी जबरदस्त किस्म का एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आता है और शायद ये वजह है कि वो थ्रू आउट ए वर्ल्ड बड़े फेमस हैं डिप्लोमेसी के हवाले से आ, उनका नाम मेरे ख्याल में अभी तो मौजूद है अगर वो अपनी आ, जो पोजिशन है इस पर ना भी हों तो उनको याद रखा जाएगा इस लेवल की वो डिप्लोमेसी करते हैं और इस लेवल के वो डिप्लोमेट्स हैं इस चीज़ के अंदर है क्या क्या जो ट्रा ट्राइलेटरल ट्रा फ्रेमवर्क है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपके साथ मैं कोशिश करता हूं कि वो आपके साथ शेयर कर लूं तीन लोगों ने एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर साहब और फ्रांस में और यूएई के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं कैथरीन कोलोना एंड शेख अब्दुल्ला बिन जैद अन्नाहयान यानी शेख जैद साहब के बेटे हैं आ, जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री की सीट संभाली हुई है उन्होंने अच्छा इसके अंदर क्या 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 चीज़ें हैं बातें क्या क्या हुई हैं कि यार क्या चीज़ें हम आ, आपस में शेयर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकता है क्या क्या चीज़ें हो सकती है तो ये है कि डिफेंस इज़ एन एरिया ऑफ क्लोज कॉपरेशन बिटवीन द थ्री कंट्रीज मैंने आपको कहा ना कि हमारे जब इस तरह की कोपरेशन आती है तो हम कहते हैं कि शायद सिर्फ डिफेंस है लेकिन ऐसा नहीं है डिफेंस है एनर्जी है इन टेक्नोलॉजी है अब मैं आपको बताता हूँ एनर्जी की रिसोर्सेस यूएई के पास है टेक्नोलॉजीज आपके इंडिया एंड फ्रांस के पास है डिफेंस की बात की जाए तो वो भी फ्रांस और इंडिया के पास है वो खुद दोनों काफ़ी बड़ी बड़ी जॉइंट्स जो हैं वहाँ पर प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ चीज़ें तो वो आ, ये हो सकता है कि एनर्जी की अगर प्रॉब्लम्स होती है फ्रांस को या यूएई सॉरी हिंदुस्तान इं, को तो उसमें आ, यूएई हेल्प कर सकता है हाँ यूएई उन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर अपने एनर्जी सेक्टर को एनहांस कर सकता है जहां तक बात आती है डिफेंस की तो डिफेंस में राफेल और इस तरह की बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है डिफेंस के हवाले से वो यूएई को अक्सर यूएस भी ऑफ़र करता है रशिया भी ऑफर करता है जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं तो वो उनको ऑफ़र करते हैं और वो अक्सर लेते भी रहते हैं एफ थर्टी फाइव की डील लास्ट ईयर अमेरिका के साथ उन्होंने हालांकि अमेरिका ने कहा कि हम आपको देना चाहते हैं और आप खरीद लें हमसे लेकिन उन्होंने क्या पता नहीं बात हुई लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर लिया कि यार हमें इसकी शायद जरूरत नहीं है या हम आपसे लेना नहीं चाहते तो उस कॉन्टेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो फिर फ्रांस एक बड़ा ऑप्शन है ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है रशिया को देखा जा सकता है हिंदुस्तान को आ, उस आ, की जगह बड़े ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है तो एक तो ये है कि डिफेंस के हवाले से जो जरूरियात हो सकती हैं वो ये दोनों कंट्रीज मेरे ख्याल में यू की बड़ी अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं और और फिर अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है तो ये हो सकता है कि जो इंडिया आ, की टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास वो यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिर फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूएई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस तरीके से वो जहाज़ बनाते हैं या बाकी और बहुत सारी आ, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो गालिबा उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी एक हिस्सा है तो इस वजह से थोड़ा सा अगर हम देखें तो ईरान के साथ अरब दुनिया की स्पेशल यूएई और अरब दुनिया यानी सऊदी अरेबिया की ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा वो अपने उससे हट कर भी अगर हम बात कर लें तो अपने डिफेंस और बाकी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं लेकिन शायद डिफेंस से ज़्यादा वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर और अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है वो आपको यू के अंदर अवेलेबल होती है वो यू के अंदर मिलती रहती है से जुड़ी हुई एक और खबर भी है कि इंडिया अपने फोर्सेस को बहुत अच्छे से बड़ी तेजी के साथ उन्होंने अपनी फोर्सेस को जिसे कहते हैं कि वो मॉडर्नाइज जो टेक्नोलॉजीज है उससे लेस कर रहे हैं उससे इक्विप्ड कर रहे हैं उसको मजीद जदीद बना रहे हैं तो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए इंडिया अपनी फौज को कैसे बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस कर रहा है तो अगर बात की जाए तो इंडिया ने अपनी फौज को जदीद तरस पर अस्तवार करने की जाने कदम बढ़ाया है जिसकी वजह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई क़ुत को मजबूत बनाना बताया जाता है आ, इंडिया का एक न्यूज़पेपर है तेलंगाना टुडे उसमें एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक फौज को जदीद बनाने की पूरी जरूरत है यानी फौरन इसको तैयार करना रेडी करना है आ, जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर्स के अगर हवाले से देखा जाए तो इंडिया की जो फौज है दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक है जिसमें मजमुई तौर पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.4 मिलियन जो लोग हैं वो सर्व करते हैं इसके साथ साथ इंडिया अपनी फौज को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में उन्होंने उनके जो वजीर खजाना है निर्मला सीता रमन ने 2023-2024 में जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें 12 परसेंट जो इंक्रीज है अपने डिफेंस के बजट में किया है इंडिया के सदर दरोपदी ने हाल ही में बयान दिया था कि इंडिया मुसलसल इजाफे का सामना है तो फौज को जदीद खतूत पर अस्तवार करने की, करने को एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है खैर इंडियन द वीक में शायद होने वाले एक मजबून में दिफाई माहिर संजीव कुमार बार ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन फौज को जदीद बनाने की जरूरत की सबसे बड़ी वजह है अच्छा, किलोमीटर साथ साथ एक लंबा स्टेप है काफी बड़ा इलाका है वहां पर उनकी जो नेवी है वो वहां पर ऑपरेट करती है और उनको भी काफी लेटेस्ट चीजों से इक्विप्ड क्या गया है है जा चुका है। और मजीद उसमें चीजें आ रही हैं खैर इसके साथ साथ जो इंडिया रिलायंस सॉरी कह रहा हूँ सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर ने खुद इन्हें सारी मेडियन इंडिया का नारा हमने सुना है उसके मुताबिक आ, इंडिया की हुकूमत की कोशिश है कि फौज के लिए जरूरी सामान हथियार और साजो मुकामी तौर पर ही बनाए जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे साहब ने सिक्सटीन जनवरी को कहा था कि खुद निसारी के साथ जदीद खतूत पर तैयारी हमारा नया मकसद होगा यानी अपनी फौज को मॉडर्नाइज तरीके से तैयार करना आ, हमारा एक आ, जिसे कहते हैं कि नया मकसद है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी एक झलक ट्वेंटी जनवरी को जब रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया था तो वहां पर बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली यकीन हिंदुस्तान के लोगों को भी और हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया को भी दूसरी जानब इंडिया की फौज अब थिएटर कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दे रही है ताकि फोर्सिस का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक मजबूत कमांड है जिसके तहत खतरे की शिद्दत के लिहाज से आर्मी नेवी और एयरफोर्स के तमाम वसाइल को बेहतर कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है इस निज़ाम के तहत फौज के तमाम इससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं पिछले कई सालों से इंडिया एक मुतहदा कमांड बनाने की बात हो रही थी लेकिन इसने इस वक्त जोर पकड़ा जब जनवरी 2022 में जनरल बपन रावत को सीडीसी डी किया और ये कहा जाता है कि बपन साहब ने इस चीज के ऊपर बहुत काम किया है अच्छा हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट करता है कि चीन ने थिएटर कमांड पर काम शुरू कर दिया है और अब वो पाकिस्तान को भी मदद कर रहा है लेकिन इसमें शायद अभी टाइम लगेगा और पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें बड़ा फ़र्क है बड़ी मुश्किल पेश आती है पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ें करने में क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक बड़ा मुश्किल काम इन द सेंस इसीलिए कि इसमें आपको बहुत सारा पैसा दरकार होता है इसीलिए अगर पाकिस्तान चाहता भी है तो उसमें टाइम लगेगा लेकिन क्योंकि इंडिया जो है इंडिया के पास भी पैसे हैं अच्छे खासे पैसे हैं और उस पर वो खर्च कर रहा है इसके साथ साथ चीन के पास भी पैसा मौजूद है आ, अच्छा और ये फौज की मुतहद कमान का ख्याल इंडिया में नया नहीं है 1999 कारगिल जंग के बाद पहली बार इसकी सिफारिश की गई दफाही माह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप बाली साहब कहते हैं कि चीन इंडिया के लिए तशवीश का बायस है और रहेगा क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ हमारिया तक पहला हुआ है। दूसरी इंडियन के करने की जरूरत है तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर एक सेंट्रल कमांड की सूरत के आ, के अगर पाकिस्तान सॉरी इंडियन एयरफोर्स को नेवल की किसी चीज की जरूरत है तो उसका वो यूटिलाईजेशन कर सकते हैं अगर आ, नेवी को एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी की किसी चीज़ की जरूरत है तो वो कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में आ, चीन भी आ, की नज़रें इन चीज़ों के ऊपर होती है पाकिस्तान की भी यकीन नजरें इन चीज़ों पे होगी बट के फिर बात वही पे आती है कि उसके लिए आपको पैसा की जरूरत है अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रोंग है जिस तरीके से इंडिया और चीन की बेहतर इकोनॉमी हैं तो वो फिर खुल के शायद इस चीज़ पे खर्च कर सकते हैं पैसा लगा सकते हैं और जो टेक्नोलॉजीज उनके फोर्सेस को चाहिए उनको मजीद मॉडर्नाइज करने के लिए तो वो उसके ऊपर पैसा लगाते हैं खैर ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थे मैं मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ तो मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय